Good morning students. Today we will start the exercise 2A of mathematics class 5th, and in this exercise we will round off the numbers to nearest 10, nearest 100, nearest 1000 and so on. So let's begin and let's see how to do this. So hamara pehla question hai, round off the following numbers to nearest 10s. Okay, so first question is 26. Let's see how to do this. पहले नंबर लिख लेते हैं 26 क्वेश्चन और इसे हम नियरेस्ट टेंस में इसको राउंड ऑफ करना है. ओके, सो हाउ कैन वी डू दिस. 26 को लेते हैं और 26 के पहले जो नियरेस्ट टेंस में जो राउंड ऑफ आता है उस नंबर को लिख लेंगे, इस 20, और इसके बाद जो राउंड ऑफ आता है उस नंबर को लिख लेंगे 30. अब हम देखेंगे 26 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 20 के या 30 के. सो वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस. तो 26 और 20 और 26 और 30. सो 26 इज़ मच क्लोज़र टू 30 देन 20. ठीक है, 26 30 के ज़्यादा नियरर है. सो 26 का जो राउंड ऑफ होगा नियरेस्ट टेंस में वो होगा हमारा 30. सो 30 विल बी आवर आंसर. ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी 245. सो क्वेश्चन डी 245 को हम लेते हैं और इसे नियरेस्ट 10 में हमें राउंड ऑफ करना है. सो नंबर लेते हैं हम लोग 245. सो आवर टेंथ प्लेस इज़ 45. ठीक है, इस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है. ठीक है, तो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे. 45 के पहले पहला जो राउंड ऑफ नंबर है वो हमारा होगा 40 एंड नेक्स्ट है 50. लेकिन इस केस में हम देख सकते हैं कि 45 बिल्कुल बीचों बीच है. जो डिफरेंस 40 के बीच 45 का है और 50 के बीच 45 का है, दोनों ही डिफरेंस बिल्कुल हमारा इक्वल है. इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में जो नेक्स्ट राउंड ऑफ नंबर है उस नंबर को हम ले लेते हैं, यानी कि हम 50 को लेंगे. तो इस 245 का नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ जो होगा वो होगा 250. ओके, सो 250 विल बी आवर आंसर. और इसी तरह बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे ई एफ जी एच आई जे सबको इसी तरीके से करेंगे नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100. सो इसमें हम 100 प्लेस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे. तो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं जो है 657. तो हम 657 ले लेते हैं. 657 इसे हम नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करेंगे. सो 100 प्लेस में हमारा कौन सा डिजिट है, 6. सो हम नंबर को लिख लेते हैं 657. तो 657 के पहले जो है नियरेस्ट 100 में जो राउंड ऑफ नंबर आता है वो है हमारा 600. ओके, और अगला जो नंबर आता है राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 में वो है हमारा 700. सो अगेन हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से विल फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू राउंड ऑफ नंबर्स, वेदर 657 इज़ नियरर टू 600 और 700. ठीक है, तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि 657 700 के ज़्यादा करीब है इन कंपैरिजन ऑफ 600. सो आवर आंसर विल बी 700. ठीक है, हम बस नंबर को देखेंगे कि राउंड ऑफ से उसका डिफरेंस कितना है, जो ज़्यादा नज़दीक होगा वही हमारा आंसर होगा. ओके, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी करेंगे जो बोल रहा है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000, यानी कि 1000 प्लेस को हम राउंड ऑफ करेंगे. लेट्स डू इट. तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हमने लिया है, इसे हम 1000 प्लेस में नियरेस्ट टू 1000 में इसे हम राउंड ऑफ करेंगे. सो 1000 प्लेस में हमारा है 2. ठीक है, तो इस नंबर को हम राउंड ऑफ करेंगे. विल अगेन राइट डाउन द नंबर 2929, दैट मीन्स 2929. इस नंबर को हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसके पहले वाला जो 1000 प्लेस का राउंड ऑफ नंबर है वो हमारा है 2000, और इसके बाद का जो नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ नंबर है वो है हमारा 3000. तो हम डिफरेंस देखेंगे बिल्कुल पहले की तरह जैसे हम करते आए हैं. सो 2900. ओके, इसे हम 2900 बोलते हैं. फॉरगेट अबाउट 29, 2900. सो यू कैन सी
2900 जो है इज़ मच क्लोज़र टू 3000 इन कंपैरिज़न ऑफ 2000, ठीक है। 2929 जो है वो 3000 के बिल्कुल नज़दीक है, सो आवर आंसर विल बी 3000, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, गिव द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, ओके। सो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को हमें नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स और नियरेस्ट थाउजेंड में सम अप करने हैं। सो देयर यू कैन सी सो मेनी क्वेश्चंस आर, तो इसे हम कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट हमारा नंबर है 961, तो इसे हम, हमारे पास टेंस प्लेस वैल्यू भी है और हंड्रेड प्लेस वैल्यू भी है, तो इस नंबर को हम नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट हंड्रेड्स दोनों में राउंड ऑफ करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर डी है 5837, इसमें हमें, हमारे पास टेंस भी है, हंड्रेड्स भी है और थाउजेंड्स भी है, ओके। तो हम इसे टेंस में भी राउंड ऑफ करेंगे, हंड्रेड्स में भी राउंड ऑफ करेंगे और थाउजेंड्स में भी राउंड ऑफ करेंगे। एक मैं करके दिखा देता हूँ आपको। फोर्थ का डी हमने एक फॉर एग्जांपल लिया है, इसे मैं करके दिखा देता हूँ इसे कैसे करना है। इस द नंबर इज़ 5837, सो वी हैव टेंस प्लेस, वी हैव हंड्रेड प्लेस एंड ऑल्सो वी हैव थाउजेंड्स प्लेस, तो इस नंबर को हम टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड तीनों में राउंड ऑफ करेंगे बारी बारी से, नॉट एट एक ही बार में, ठीक है, बारी बारी से हम करेंगे। तो हम सबसे पहले नियरेस्ट टेंस में इसे सम अप कर लेते हैं। सो 5837, ठीक है। तो नियरेस्ट टेंस में इसका जो राउंड ऑफ नंबर्स होंगे वो होंगे 30 एंड नेक्स्ट होंगे 40, सो 37 इज़ क्लोज़र टू 40, सो द आंसर विल बी 5840। नेक्स्ट हम इसे नियरेस्ट हंड्रेड में सम अप करेंगे, अगेन विल राइट डाउन द नंबर 5837, हंड्रेड्स प्लेस में है 8, इसका पहले जो आ रहा है नियरेस्ट हंड्रेड्स में नंबर वो है हमारा 800 और अगला जो है वो है हमारा 900, सो देयर यू कैन सी 800 इज़ मच क्लोज़र टू 837 रादर देन 900, सो आवर आंसर विल बी 5800 नियरेस्ट हंड्रेड में, ठीक है। अगला हम नियरेस्ट थाउजेंड में इसे साउंड राउंड ऑफ करेंगे 5837, ठीक है, थाउजेंड्स प्लेस में हमारा 5, तो हम बिल्कुल पहले की तरह कर लेंगे, पहले आएगा 5000 और अगला आएगा 6000, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5800, फॉरगेट अबाउट 37, 5800, सो 5800 इज़ मच क्लोज़र टू 6000 इन कंपैरिजन ऑफ 5000, सो इसका थाउजेंड में, नियरेस्ट थाउजेंड में हमारा राउंड ऑफ होगा 6000, सो हमारा आंसर क्या होगा 6000, ओके। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन आंसर्स हैं, 5840, 5800 एंड 6000, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एज पर योर होमवर्क, इस लेसन को, इस एक्सरसाइज को आप पूरा कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करके मुझे सेंड करेंगे, ओके, थैंक यू।